आपने टीवी में देखा होगा, बड़े जोर शोर से कांग्रेस पार्टी पर कीचड़ उछाला गया कि हम आदिवासियों का सम्मान नहीं करते हैं। बताइए, इस देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आदिवासियों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सुनिश्चित किया, और यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से जंगल के कानून बना करके आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से महरूम कर रहे हैं, जल जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासियों का होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुनिश्चित किया। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, और मैं प्रधानमंत्री की तरह इतिहास में फेल नहीं हूं, पूरा नंबर आया है हमको इतिहास में, पूरा नंबर आया है। इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जिनको डीनोटिफाइड ट्राइबल्स कहा जाता था, अंग्रेजों ने जो हमारे महान नेता थे, आपने तांतिया मामा का नाम सुना होगा, आपने जो है धरती आबा बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, ये जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले हमारे महामानव हैं, आदिवासियों के महान योद्धा हैं, और इनकी लड़ाई में मुक्ति का मार्ग था, इनकी लड़ाई में आजादी का मार्ग था। इस लड़ाई के चलते जो इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया था। आपको इतिहास जानना चाहिए कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको डीनोटिफाइड किया, कहा कि वो क्रिमिनल नहीं है, इस धरती पे उनका पहला हक है, वो पहले नागरिक ने पहले अधिकार।